पॉजिटिव स्टोरी में आज बात उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली गुरलीन चावला की, जो रातों रात स्टार हो गई हैं। स्ट्रॉबेरी गर्ल के रूप में उन्हें नई पहचान मिली है। सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है, लोग सर्च कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे वजह है बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती और मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके काम की तारीफ। बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। दरअसल रविवार को मन की बात में पीएम ने गुरलीन का जिक्र किया था। बता दें कि 23 साल की गुरलीन लॉ ग्रेजुएट है। इसी साल उन्होंने पुणे से अपनी पढ़ाई पूरी की है। पुणे में अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर रही थी और लॉकडाउन हो गया, इस कारण मैं अपने होम टाउन वापस आ गई झांसी। वहां मैंने अपने पापा मिस्टर हरजीत सिंह चावला को ऊपर टेरिस गार्डन में खेती करते हुए देखा। वो अलग अलग तरह के फल और सब्जियां उगा रहे थे वहां पे, और हमने स्ट्रॉबेरी के भी प्लांट्स लगाए जो बहुत ही स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी जिससे आई, और हमने कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया। उसी प्रेरणा से हमने सोचा कि क्यों ना हम एक बड़े जमीन पर इसको करेंगे तो पूरे झांसी को स्ट्रॉबेरी मिल पाएगी। और वही हमने उसी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए हमने सोचा और अक्टूबर के महीने में हमने इसके प्लांट्स लगाए और अब पूरी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल हो रहा है झांसी में। स्ट्रॉबेरी के साथ साथ गुरलीन अब सब्जियां भी उगा रही हैं। कुल 7 एकड़ जमीन पर अभी वे खेती कर रही हैं। उनके फॉर्म से हर दिन 70 किलो स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन होता है। 250 से ज्यादा ऑर्डर आते हैं और हर दिन 30,000 रुपए की बिक्री हो जाती है। आई थिंक ये बुंदेलखंड के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम स्ट्रॉबेरीज उगा रहे हैं।